नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने ननिहाल की सैर कराऊंगी, तो हम निकल पड़े अपने ननिहाल की ओर, जो कि जौनपुर में बगुरा नाम के एक गांव में है। देखिए रास्ते में कितनी हरियाली है। सबसे पहले मैं अपने पुराने स्कूल गई, जो रास्ते में ही पड़ता है। वहाँ पर मैं वहाँ के स्टाफ से मिली और मैंने देखा कि मेरा पुराना स्कूल कितना चेंज हो गया। मैं पहले यहाँ पे आके पढ़ाती थी, इलाहाबाद से इतनी दूर कैसे आ जाती थी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। स्कूल में सबसे मिलने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी बन गई हैं, रास्ता भी बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अब रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि हम लोग बहुत ही कम समय में अपने ननिहाल पहुँच जाते हैं। हम लोग मई गाड़ी आगे बढ़ी चली जा रही थी, रास्ते में हरियाली देख देख के मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। ये देखिए अब हम अपने गंतव्य की ओर पहुंचने वाले हैं। पतली पतली रोड देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब हम लोग गांव वाली रोड पे पहुंच गए हैं। ये देखिए अब मेरे ननिहाल वाला घर बस आने वाला। रास्ते में गन्ने के खेत बहुत ही सुंदर लग रहे थे। रास्ते में कहीं पे गन्ने के खेत मिल रहे हैं, कहीं पे जो है एकदम गन्ने के पेड़ के पास से हमारी गाड़ी जा रही है। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे देख देख के, क्योंकि उन्होंने गांव इतने पास से कभी नहीं देखा था। अब हम लोग अपनी ननिहाल लगभग पहुंच ही चुके हैं। सारे खेत में कटाई हो चुकी है, खाली खाली खेत भी नज़र आ रहे हैं जिनमें कटाई नहीं हुई। उसमें अभी धान और गन्ना लगा हुआ, गन्ना तो अभी बहुत दिनों तक लगा रहेगा। खेतों और घरों को पीछे छोड़ते हुए अपने ननिहाल वाले गांव में लगभग पहुंच ही गए। ये हमारे ननिहाल वाले गांव का पत्थर, बबुरा पूर्वी लाला बस्ती क्योंकि हम लोग कायस्थ कायस्थ को लाला कहा जाता है ना, इसीलिए। फिर हम लोग पत्थर पे बैठ के फोटो खिंचवाए ताकि याद रहे हम लोग को कि हम लोग बबुरा आए थे। बिटिया और बेटा ने भी फोटो खिंचवाई। ये मामा का घर है और ये मामा की गाय है। ये मामा जी के घर के बगल वाला खेत है, जो बिल्कुल मामा जी के घर के पास में ही है। बिटिया को बता रहे थे कि ये धान का खेत है, इसको काटने के बाद इसकी जो है इसको पटक पटक के झाड़ते हैं और फिर उसको मशीन में कुटवाते हैं। मामी ने हम लोग को ऊपर चाय पीने के लिए बुलाया। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग ऊपर छत पे गए। पहले पीछे एक पुराना घर भी हुआ करता था, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग सब लोग छत पे बता रहे थे कि गर्मी की छुट्टी में हम लोग यहीं आके रुका करते थे सब लोग। ये मामा का छोटा बेटा है। सब लोग बात कर रहे थे और मैं चुपचाप वीडियो शूट कर रही थी। ये मक्का है, मक्का बहुत होता है जौनपुर में। इसको सुखा के इसकी आटे की रोटी भी बनती है पिसवा के, और इसको जो है आप मामा क्या तो गाय को खिलाया जाता है। मामी बता रही हैं कि वहाँ पे देखो पीछे हम लोग के खेत हैं, पीछे भी एक घर था। मेरी बिटिया को बता रही है कि पीछे भी एक घर था पहले, लेकिन अब वहाँ पे बाग वाग बना दिया गया है। अब सब लोग इधर आके रहने लगे, कुछ लोग रोड पे जाके रहने लगे हैं। ये सोलर पैनल लगा हुआ है। सामने भी जो घर है उसमें भी मामा लोग रहते हैं। हम बता रहे थे नीम का पेड़ ये बहुत पुराना है, पीछे जो ये घर है ये भी बहुत पुराना है, उस पर लोग अपना कंडे वंडे पास के रखे हुए थे। वहाँ पे एक कुआं भी था। यहाँ पे देखिए जौनपुर में बच्चे को इस तरह रखा जाता है। फिर हम लोग ने फोटो सेशन शूट किया, सबके साथ फोटो खिंचाई, सेल्फी ली, खूब मस्ती की हम लोगों ने। फिर
फिर उसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े कि वहाँ काली जी का मंदिर है। वहीं पे हम लोग बात करते करते काली जी के मंदिर पे पहुँच गए। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, मैं तो इसे बचपन से देख रही हूँ। पहले यहाँ पे एक मंदिर था, अब दो मंदिर हो गए हैं। मंदिर के बाहर पहले बाउंड्री नहीं थी, अब बाउंड्री और पीपल का पेड़ भी लग गया है। पीपल के पेड़ के चारों ओर बाउंड्री भी कर दी गई है। इसको काली माई का थान बोलते थे, अब तो काफ़ी विकसित हो गया है। देख, पहले एक छोटा सा मंदिर था जो सामने दिख रहा है पिंक कलर का, इसके बगल वाला मंदिर दोबारा बना है। मंदिर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजा के रखा है। मंदिर बंद था इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किया। फिर मंदिर के प्रांगण में बैठ के हम लोग फोटो खिंचवाए, सेल्फी ली। बबुलबुल को बता रहे थे कि बेटा ये बहुत मत। इसके बाद हम लोग मामा के पंपिंग सेट पे पहुँचे। मामा बता रहे थे कि इस पंपिंग सेट से जो पानी जाता है उसको अंदर ही अंदर पाइप के जरिए हर खेत में पहुँचाया जाता है। प्लास्टिक का पाइप नहीं लगाया है, जब प्लास्टिक का पाइप सड़क के ऊपर से जाता है ख़राब हो जाता है। मामा के पंपिंग सेट के बगल में अमरूद का पेड़ लगा था, उसमें अमरूद भी छोटे छोटे फले हुए थे। इसके बाद बगल में जो खेत था उसको भी बताया कि मामा ने, हम ही लोग का खेत है। सामने पीले पीले सरसों जैसे दिख रहा है लेकिन वो सरसों नहीं है। मामा के पंपिंग सेट से निकलकर हम लोग मामी का स्कूल जिस तरफ था उस तरफ जाने लगे। रास्ते में छोटी सी बाजार भी थी, वो भी देखे। गन्ने यहाँ पे धान का खेत था जो अभी धान कटा नहीं, उसको हमने पास से बेटिया को दिखाया और उसको उसका एक पेड़ का पर ऊपरी का भाग तोड़ के दिखाया कि देखो ये धान है, इसमें से निकलता है चावल। अब ये मामी का स्कूल आ गया है। स्कूल के बाहर खड़े होकर हम लोगों ने सेल्फी ली। सूरज बहुत सुंदर लग रहा था ये दृश्य, इसलिए हमने ये दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया। स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर मैं अपने आप को पढ़ाने से रोक ना सकी क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, इसलिए सब लोगों ने कहा दीदी आप पढ़ाइए यहाँ पे, तो हमने भी पढ़ाना शुरू कर दिया उन लोग के कह में आके। स्कूल की जो है टाइल्स लग रहा था वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे फूलों के नाम पढ़ाए। स्टूडेंट में मेरे हस्बैंड, मेरी बिटिया, मेरे मामा, मेरे भाई बहन थे, ये लोग को हंस रहे थे। कुल मिला के हम लोगों ने ननिहाल में बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। इतने दिन बाद आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे बचपन के दिन दोबारा वापस आ गए हैं। मैं उन्हीं पलों को याद करते हुए बोर्ड पे लिख रही थी। तब तक इन्होंने बोला कि चलो अब चलो, चलने का टाइम हो रहा है, अभी हम लोग को बड़े मामा के घर भी जाना है। तो मैंने जल्दी से ब्लैक बोर्ड पे अपना काम ख़त्म किया और लौटने के लिए स्कूल से बाहर निकल आए। सचमुच ननिहाल का अपना ही क्रेज होता है। फिर हम लोग ने मामा की, ये देखिए मामा की गाय है, और मामा लोगों से विदा लेके हम लोग बड़े मामा के घर पहुंच गए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।